हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। मैं आपकी दोस्त पूनम। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको अपना जो बेस का गार्डन है वो दिखाती हूँ, किचन गार्डन, और साथ में अपने यहाँ के पहले प्लांट दिखाती हूँ। देखिए कितने सुंदर रहे और सब अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने यहाँ के पॉट चेंज किए थे दोस्तों, और अब सब प्लांट एडजस्ट हो गए हैं। देख सकते हैं आप, जैसे देख रहे हैं आप, सारे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और चल रहे हैं खूब। यह देखिए, इस प्लांट को भी मैंने ट्रीटमेंट दिया था, आपके साथ शेयर किया था। देखिए अब ये सब बिल्कुल अच्छा हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट में। और ये वाला भी देखो, दिखाया था ना आपको कितना इसमें वो लग रहा था, और आप देखो ये देखो, बिल्कुल सारे प्लांट आराम से आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी इस तरह से, अगर आपका क्रोटोन हो रखा होगा तो इस तरह से उसे ट्रीटमेंट देना और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, सारे प्लांट मेरे सही से हो रखे हैं यहाँ पे बेस पे। ये देखिए बेगोनिया, ये थोड़ा वैसा हो गया था, पर आप देखो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, इसने ग्रोथ पकड़ ली है दोस्तों, एडजस्ट हो गया है ये। और कैलिथिया देखिए कैसा हो गया है यहाँ पे अभी। तो फिलहाल यहाँ के प्लांट तो मेरे सारे अच्छे चल रहे हैं। इधर के भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी खूब अच्छे से हो रखे हैं। ये देखिए, ये वाला इग्लोनीमा है, ये वाला ग्रीन कलर का, और एक ये वाला है, और दोनों बहुत ही अच्छे से बुशी हो रखे हैं। और यहाँ पे भी मैंने लगाया है, लेकिन कुछ देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐसे, तो यहाँ पे भी अच्छे से प्लांट हो रहे हैं मेरे। ये घास हो रहा है दोस्तों, तो बरसात के दिनों में ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है घास होने की। इसके नीचे से देखिए छोटे छोटे निकल रहे हैं प्लांट। ये देखिए सिंगोनियम भी अच्छा हो रखा है यहाँ पे, बिल्कुल बुशी, और उसके बीच में ये देखिए ये लगा रखा था मैंने। अभी इसकी जेड प्लांट की कटिंग करनी है, इसको शेप नहीं दिए दोस्तों, तो इसलिए ऐसा हो रखा है। और यहाँ पे देखो इस वाले पे, ये मेरा है, देख ही रहे हैं आप, देख रहे कितना अच्छा हो रखा है, बुशी बिल्कुल पीस ले ले, देखिए ये वाला, और बिल्कुल बाहर रहता है बारिश में, और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चलने लग गया है दोस्तों। तो ये होता है कि बारिश में जब होता है, हमारे प्लांट बहुत अच्छे और नेचुरल ग्रोथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमारे प्लांट्स को। आज मैं आपको अपना किचन गार्डन भी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए तुलसी माता, और इसमें दोनों तुलसी लगी हैं, राम और श्याम, और बहुत अच्छे से बुशी हो रखा है हमारा प्लांट। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है सबसे पहले भिंडी, आपके साथ शेयर भी करी थी दोस्तों, बहुत बार लगाई मैंने, उसके बाद हो रही है, और देखो कितनी ग्रोथ कर ली है। बरसात में चाहे आप गर्मियों में भी लगाएंगे ना दोस्तों, लेकिन बरसात में आपकी भिंडी इस तरह से ग्रोथ पकड़ लेती है, देख रहे कितनी बड़ी हो गई है। फिलहाल भिंडी लग रही है और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये एक पोर्शन मैंने पूरा भिंडी का लगाया था दोस्तों, और वो पेड़ देखिए वो है नीम का, और नीम पे जो है लोबिया हो रखी है, लंबी लंबी लोबिया लगती हैं इसमें दोस्तों। उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन में मैंने जो है यहाँ पे देखिए बैंगन लगाए थे, और आजकल देखो कैसे हो गए, लंबे लंबे से हो रहे हैं, और इतने पत्ते सारे झड़ गए हैं बारिश के कारण, पानी ज़्यादा पड़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है ना दोस्तों, इस कारण से। फिर उसके बाद आपको एक नेक्स्ट दिखाती हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर मिर्चें हैं, ये देखिए मिर्ची लग रही है यहाँ पर हमारी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये है करेले की बेल जारी है इस अमरूद के पेड़ में, और करेले लग रहे हैं, बहुत लंबे लंबे वाले करेले हैं, और एक छोटी वैरायटी के हैं, तो दोनों करेले लग रहे हैं, हमने एक बार इसमें से तोड़ भी लिए हैं दोस्तों, और अच्छे से हो रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे भी भिंडी लगाई थी, लेकिन देखिए अभी ये छोटी ही रह गई है, क्योंकि ये थोड़ा बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी जब ये बीज जमे, तो अभी इन्होंने ग्रोथ नहीं पकड़ी है, अभी ये थोड़े छोटे में हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरी करेले की वेल चढ़ रही है, और करेले भी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा तो पेड़ में, देखो यहाँ पर देखिए, ये देखो ये करेला लग रहा है, और यहाँ पर भी करेले लग रहे हुए हैं काफ़ी सारे, तो हैं कुछ दिन के बाद तोड़ेंगे अभी। तो ये भिंडी हो रही है दोस्तों, और ये वाला पोर्शन देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है अरबी के पत्ते लगा रखे हैं दोस्तों, और हल्दी भी है,
तो आजकल जो बरसात के सीज़न में दोस्तों बेलें होती हैं ज़्यादा, या तो आप जैसे लौकी, कद्दू, करेले, इन सब की बेलें होती हैं, या इस तरह की अरबी होती है खाने के लिए सब्जियों में, या भिंडी लगती है दोस्तों, मिर्ची लगती है, बैंगन लगते हैं, यही सब होता है गार्डन में हमारे। इसके अलावा हमारे गार्डन में फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें ख़राब हो जाती है, जितने भी हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ नहीं हो पाती अभी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर हमारा ये नींबू का पेड़ है, कागजी नींबू, और इसमें जो हैं नींबू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों नींबू। और ये देखिए नींबू का है यहाँ पे, उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ से जो है एक, मैंने ये देखिए इस तरह से लौकी की बेल लगाई थी हाइब्रिड वाली, लेकिन देखिए कितनी लंबी चली गई है। वहाँ पे देखिए, वहाँ लगाए थे उसके लिए टहनियाँ कि उस पर जाएगी, तो उस पर तो वो गई नहीं, इधर को चली गई है देखिए लंबी ऊपर। और एक ये पपीते का पेड़ लगाया है, पता नहीं इसमें पपीते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फ्लावर तो आ रहे हैं दोस्तों, पर देखते हैं चलो। और ये मेरे गार्डन का देखो, ये सब हमने नीचे किचन गार्डन में लगा रखा है। काफ़ी टाइम से मैंने अपना किचन गार्डन को शेयर नहीं करा दोस्तों, तो इसलिए आज मैंने कहा चलो आपके साथ किचन गार्डन शेयर करते हैं अपने, कि हमारे गार्डन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आजकल हमारे गार्डन में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हम कर पाते क्योंकि खुदाई का काम भी नहीं हो पाता है गार्डन में, क्योंकि पानी बहुत पड़ता है दोस्तों। पानी की वजह से आप नीचे की सॉइल देख सकते हैं कैसी हो रखी है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते। तो जो इसीलिए भिंडी भी जो हमने पहले की लगा रखी है ही अच्छे से हो रही है, तो भिंडी भी आप टाइम से गर्मियों के सीज़न में लगा दीजिए तो वो आपके पास आगे तक चलती रहती है दोस्तों। तो देख सकते हैं यही सब आजकल सब्जियां हैं। बिल्कुल देखिए, इतना बारिश के आने से क्या होता है कि पूरा झाड़ हो जाता है, आगे देख रहे हैं इस टाइम पे। ये देखिए, ये मेरा मोगरा है नीचे रखा हुआ है, लेकिन हालत देख रहे हैं नीचे पे मेरे पेड़ ज़्यादा कोई अच्छे नहीं चल पाते हैं, और ऊपर जितने मेरे पेड़ अच्छे होते हैं दोस्तों, ऊपर ये इतने अच्छे फ्लावरिंग कर रहा था, और यहाँ देखो नीचे इसकी हालत कैसी हो गई, इस तरह के पत्ते हो रहे हैं इसमें। ये वाला भी फ्लावर का पेड़ वो है, इसका नाम मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन इसकी हालत देखो कैसी हो रही है, ये भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं नीचे जो है बहुत ही हार्डी प्लांट लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो केयर नहीं हो पाती, ऊपर देखती हूँ तो नीचे छूट जाता है, नीचे देखती हूँ तो ऊपर छूट जाता है दोस्तों। तो इसीलिए नीचे के गार्डन में मैं जो लगाती हूँ चीज़ें, वो ऐसी लगाती हूँ जिनमें जो ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना पड़े और वो आसानी से हो जाए। तो देखिए, ये इस तरह से कुछ गार्डन है। अभी जो है टाइम से मेरी देखिए इसमें मिर्ची भी लग रही है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, आपको देखने में आप देख रहे हैं तो मिर्ची भी लग रही है दोस्तों। तो हम टाइम से लगाते हैं किसी चीज़ को तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा और टाइम से मिलता है, तो इसलिए हमेशा सब्जियों को हमें टाइम से लगाना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा और टाइम से मिले। तो देखिए, हम तो बैंगन भी खाते हैं, भिंडी भी हमारी हो रही है, और सब चीज़ें हमारे गार्डन में लगी हुई हैं। तो आप भी इस तरह से टाइम से गार्डनिंग का काम किया कीजिए कि आपको टाइम रहते आपको सब चीज़, आपको सब्जी फल सब मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी किचन गार्डन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को फुल देखिएगा, और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी नई सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल में। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।